हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं आम पापड़। उसके लिए हमने 1 किलो आम लिया है। इसको हम सबसे पहले अच्छे से पानी में धुलेंगे, सुखाएंगे और सुखा कर इसका छिलक निकाल देंगे। बहुत ही अच्छे एकदम कच्चे आम हैं और अभी मैंने इसको छिलक निकाल के आम रेडी कर लिया है। इसके ऐसे मैंने स्लाइस बना लिए हैं। अब इसको हम कुकर में डालेंगे और 1 सीटी लगाएंगे। अब ये आम हमने कुकर में डाल दिया है। अब इसके अंदर हम 1/2 कटोरी पानी डालेंगे जिससे ये लगे नहीं, और कुकर को हम बंद कर 1 सीटी लगाएंगे। हमने आम में सीटी लगाई थी। आम हमारा भी कुकर खुल गया है, ये एकदम आम हमारा गल गया है अच्छे से, देखिए। अब इसको हम मिक्सी जार में पीसेंगे। बस हमें हल्का सा मैंगो पीसना है अपना। देखिए ऐसे मैंगो हमारा रेडी हो गया है। अब हम बनाना शुरू करते हैं। मैंगो को मिक्सी में पीस के अपनी कढ़ाई में कर लिया है। थोड़ा सा इंडक्शन हम अपना तेज कर ले रहे हैं। और सबसे पहले इसके अंदर हम क्या क्या डालेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। चीनी ली है 1 कटोरी, थोड़ा सा पुदीने का पाउडर है, 1 चम्मच भुना जीरा, और मैं इसमें अभी येलो कलर यूज कर रही हूँ, 1/2 चम्मच काला नमक। बनाना शुरू कर रहे हैं। चीनी डाल देते हैं सबसे पहले। चीनी डाल के इसको मिक्स करेंगे जल्दी से, वरना ये हमारा आम लग जाएगा कढ़ाई में। जैसे ही हम इसके अंदर चीनी डालते हैं, साथ साथ ही हम इसके अंदर पुदीना पाउडर, भुना जीरा, काला नमक और कलर, आप रेड कलर भी डाल सकते हैं। इसका कलर थोड़ा येलो आएगा जो एकदम बढ़िया कलर लगता है। किसी किसी को येलो कलर पसंद नहीं है तो वो रेड कलर का बना सकते हैं। हमारा मिक्स हो रहा है। हम अपनी एक प्लेट को ग्रीस कर लेते हैं। ग्रीस करना इसलिए जरूरी है कि आराम से फिर हमारा आम पापड़ निकल जाएगा। हमने एक बड़ी प्लेट को ग्रीस कर लिया है। हमारा ये 5 मिनट इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ये बिल्कुल रेडी है। सब कलर और मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं जिसको हमने ग्रीस किया था। प्लेट को चारों तरफ हिलाएंगे जिससे ये अच्छे से फैल जाए, क्योंकि एकदम पतली लेयर हमें बनानी है। आम पापड़।